पोटेंशियल के बारे में, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी। आप अपन पूरे क्वेश्चन जितने भी देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो आवेश प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। एक आवेश को बंद आयत पथ पर घूमने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए बंद आवेश, उसके लिए पहले एक डायग्राम यूज होता है, उसको यू बना लेते हैं। तो जैसे इसको एक प्लेट है, तो हम इसको प्लस आवेश दे दिए, ठीक है, और इनके बीच में एक बंद परिपथ रख देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दो आवेश प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। अब एक समान दो प्लेट है, इनके बीच में क्या है, एक विद्युत क्षेत्र ई है। एक आवेश को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जीरो कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें जितना कार्य यहाँ उत्पन्न होगा उतना कार्य यहाँ पर रिलीज होगा, तो क्या करना पड़ेगा, जीरो होगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं अपन, तो देखिए इसको समझने के लिए कैसे करते हैं, आवेश क्यू को एक से दो तक लाने में किया गया कार्य। अब मान लीजिए कोई भी एक आवेश है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो इसको क्यू तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, आवेश क्यू को वेग से दो तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल इंटू दूरी। तो बल क्या लग रहा है यहाँ पे, क्यू इंटू ई लग रहा है, और दूरी मान लीजिए अपन डी ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डी एक आयताकार पथ की चौड़ाई है, ये डी जो है एक आयताकार पथ की चौड़ाई है, ठीक है। आवेश को तीन से चार, यहाँ तीन से चार तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं। अब यहाँ से तीन से चार तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, ये शून्य होता है, और बल क्या होते हैं, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हैं। अतः आवेश क्यू को बंद आयात पर घुमाने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, अब क्यू यू डी को माइनस करेंगे क्यू यू डी में, तो जीरो आ जाएगा जी। तथा इस किसी भी आकृति के पद के लिए यह सत्य है, चाहे इसमें आयताकार पद रख दें, सर्कुलर रख दें, या रेक्टेंगुलर रख दें, कोई भी पद रखें, इसके लिए हमेशा ये जीरो ही होगा, दो प्लेटों के मध्य अगर रखेंगे तो, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी कम से कम रखी जाती है क्यों। समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेट की बीच की दूरी कम से कम क्यों रखी जाती है, इसके बारे में जानेंगे अपन। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होने के लिए होने से इनके मध्य की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, फलस्वरूप इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है, ठीक है जी। फिर अगला देखेंगे, अब देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर इसकी विद्युत धारिता क्यों बढ़ा दी जाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए भी एक डायग्राम यूज होता है जी।
ठीक है, इसमें विद्युत आवेश ई हो, यहाँ पे प्लस आवेश लग जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आवेश लग जाएंगे। अब देखिए इसके बारे में जैसे स्टडी करेंगे अपन तो क्या समझेंगे, जैसे कि परावैद्युत पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं पिछले क्लासों में हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना मुक्त। और परावैद्युत होता क्या है, तो एक तो आपका क्या होता है मोम हो जाता है, अपरक हो जाता है, और क्या होता है, दो चीज़ तो हमने बता दिया, एक आप बताइएगा। ठीक है, तीन चीज़ हमने हमने आपको पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ ऋणता पूर्वक बंधे रहते हैं, ये भी सही चीज़ है। जब किसी परावैद्युत को आवेशी संधारित्र प्लेट के बीच में रखा जाता है तो परमाणु विकृति के हो जाते हैं, तथा यह धन आवेश भाग आवेशित प्लेट के ओर तथा ऋण आवेश भाग धन आवेशित प्लेट की ओर विस्थापन करने लगते हैं। अब ऋण आवेश धन आवेश की ओर और इस तरफ से माइनस आवेश की ओर विस्थापन करने लगते हैं, जिससे में विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाती है। इसकी दिशा ई की विपरीत होती है, फलस्वरूप दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होने के कारण विभव भी कम हो जाता है, अतः संधारित्र की विद्युत धारिता अधिक होती है। ये चीज़ अपन पता ही है। अब अपन आज कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं जिससे हम आने वाले क्वेश्चनों को बना पाएंगे जी, नेक्स्ट क्लासों में जब करेंगे तो। अब संधारित्र के समूह पर आधारित कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, पहला अपन उस दिन निकाले थे ना जी श्रेणी क्रम में फॉर्मूला, क्या निकाले थे श्रेणी क्रम के लिए, वन बाई सी टू वन बाई सी थ्री श्रेणी क्रम में निकाले थे। और दूसरा क्या निकाले थे, समांतर क्रम में निकाले थे, समांतर क्रम इसके लिए क्या फॉर्मूला था, C1 + C2 + C3। ये फॉर्मूला यूज किए थे जी उस दिन। और देख लेते हैं एक टाइप के फॉर्मूला। ठीक है, संधारित्र के धारिता पर आधारित, यह समूह पे आधारित था, अब धारिता पे आधारित कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए समांतर प्लेट की, अब समान पहला इसमें समांतर प्लेट में देखेंगे, समांतर प्लेट में कि संधारित्र सी इक्वल होता है के ई नॉट ए अपान डी होता है जी। ठीक है, जहाँ निर्वात की स्थिति में रखेंगे तो के इक्वल वन रख सकते हैं। गोलीय संधारित्र के लिए जो निकाले थे वो कैसा फॉर्मूला था, ये समांतर हो गया, गोलीय सी फुल हो जाएगा 4πE0K ए प्लस बी और नीचे में हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है जी, और तीसरा क्या फॉर्मूला था, और एक बेलनाकार के लिए भी था ना, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए आपके लिए ए डब्लू है। ठीक है जी, हम आपको दो फॉर्मूले बता दिए, आप एक फॉर्मूला
देख के बताइएगा हमारे पिछले क्लास में आपने क्या सीखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अगर नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जी, जिससे हम आपके लिए नए से नए नए वीडियो लेके आ पाएँ। ठीक है।